नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से। आज है 15 अगस्त। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को बिहारी न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज पहली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे झंडोत्तोलन। आज गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे। गांधी मैदान के चारों ओर कहीं पर भी कोई गाड़ी पार्क करने नहीं दी जाएगी। गहन जांच के बाद ही लोगों को कार्यक्रम में जाने की एंट्री दी जाएगी। आज यानी 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के लिए सुबह 6:30 बजे के बाद ही गांधी मैदान में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए सीएम नीतीश आज सुबह 8:35 पर अपने आवास से रवाना होंगे और 9 बजे गांधी मैदान में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे। बीपीएससी 63वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने मंगलवार को 63वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 924 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया है, जो साक्षात्कार में शामिल होंगे। आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन एजेंडों पर लगी मुहर। कैबिनेट मीटिंग में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन पर कैबिनेट के मुहर लगी है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल पुलिस चालक को अब मिलेगा वेटेज। बिहार पुलिस चालक की नियमावली में संशोधन किया गया है और निकासी को मंजूरी दे दी गई। बिहार के डीजीपी बोले, पुलिस में रहकर माफिया गिरी नहीं चलेगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पुलिस वाले दारू और बालू बेचें ऐसा हम होने नहीं देंगे। यदि कोई गलत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस को जितनी स्वतंत्रता है उतनी कहीं नहीं है। कोई अफसर बता दे कि उसे कभी कोई पैरवी आई या कभी कार्रवाई से रोका गया है, अगर इसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी में लगे जेडीयू। दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के अनुसार दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में जेडीयू अपने दम पर अकेले लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पहली बार जेडीयू दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जेडीयू के सभी प्रत्याशी दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। अदम्य वीरता का परिचय देने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 15 अगस्त के दिन भी फ्लैग होस्टिंग के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार भी बिहार पुलिस के 6 अधिकारी और 1 सिपाही को पुरस्कृत करेंगे। पटना के गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बेहतरीन प्रदर्शन, उत्कृष्ट कामों के द्वारा उनकी बहादुरी का परिचय देने के लिए इन सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए का दावा, कांग्रेस आरजेडी में होगी बड़ी टूट। विधायक ने दावा किया है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, जबकि नेतृत्व विहीन आरजेडी को लेकर यह पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के अधिकतर विधायक अपनी नई जमीन तलाशने में लगे हैं। कई विधायकों ने तो यह दावा किया है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायक लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। ऐसे में इन पार्टियों के टूटने की संभावना है। जमुई के शिक्षक जिला मुख्यालय में करेंगे धरना। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जमुई के संघीय पदाधिकारी की एक आवश्यक बैठक मंगलवार को की गई। सर्वोदय आईटीआई सतगामा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष नवल किशोर यादव ने की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति के निर्णयालोक में 17 अगस्त को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार सरकार की नई बालू बंदोबस्ती नीति में हुए बदलाव। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। नई नीति के तहत अब एक आदमी या एजेंसी को पूरे बिहार में सिर्फ 2 घाटों की बंदोबस्ती होगी। बालू उत्खनन नीति 2019 के विस्तारीकरण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब बालू दर बाजार मूल्य पर निर्धारित होगी। ये नई बंदोबस्ती नीति 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगी। बिहार में बाढ़ प्रभावित स्कूलों को गोद लेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने घोषणा की है कि वह बाढ़ प्रभावित मधुबनी और सीतामढ़ी जिले के 7 गांवों और 15 स्कूलों को गोद लेगा। राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास के उपाय करने के लिए बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 4 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। SSC ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर देखा जा सकता है। इसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अन्य पदों पर नौकरी के लिए भर्ती की जानी है। राहुल के समर्थन में बोले पप्पू यादव।
एक स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने कहा है, भले ही उन्हें यात्रा के लिए हवाई जहाज ना दें, लेकिन हमें और विपक्षी दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता से मिलने दिया जाए। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं राहुल गांधी की उस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर में भेजने की मांग राज्यपाल से की। धारा 370 को लेकर तेजस्वी ने साधा केंद्र पर निशाना। तेजस्वी यादव ने बहुत दिनों बाद किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एक सच्चा लोकतंत्र तब मनाया जाता है जब लोग अपनी ही सरकार द्वारा बिना किसी कारण के बंद नहीं होते हैं। देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि जम्मू कश्मीर के तीनों पूर्व CM कहाँ हैं। बिहार शरीफ नालंदा की चैंपियन बेटी का शाही स्वागत। देश को मेडल दिलाने वाली चैंपियन बेटी जब अपने शहर बिहार शरीफ पहुंची तो यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। नालंदा रग्बी टीम के सदस्य और स्थानीय लोगों ने श्वेता का शाही अभिनंदन किया, जिसमें लोगों ने फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। इसके बाद मोरा तालाब से निकलकर उनके घर नालंदा तक रोड शो का आयोजन किया गया। NDRF ने राष्ट्रीय कैडेट कोर को सिखाया आपदा प्रबंधन का तकनीक। किशोर चौहान बिहटा पटना 19वीं बटालियन NDRF बिहटा पटना की एक टीम इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में NCC कैडेट्स को आपदा रिस्पांस के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान 250 से अधिक NCC कैडेट्स को आपदा के प्रकार, बाढ़ व भूकंप सुरक्षा, सड़क सुरक्षा तथा वज्रपात सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। पूरे 19 सालों के बाद आया श्रावण पूर्णिमा और स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार दोनों एक साथ। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाए जाने वाले राखी का त्यौहार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही है, जो कि पूरे 19 सालों के बाद ऐसा संयोग फिर से बना है। आपको बता दें कि साल 2000 में भी 15 अगस्त के दिन ही सावन की पूर्णिमा और राखी बांधने का त्यौहार मनाया गया था। गांधी मैदान में दिखेगा बदलता बिहार। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में विभिन्न विभागों की झांकियों के द्वारा बदलते बिहार की झलक दिखाई जाएगी। झांकियों में प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन होने से मानव जीवन और पशुओं पर पड़ने वाला प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग, राजगीर और नालंदा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को भी लोग देख सकेंगे। पटना में मेट्रो लोगों के लिए नई बात है, इसलिए इस बार नगर विकास विभाग ने झांकी के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने तक का इंतजार करेगी और इस मामले पर 2 सप्ताह बाद विचार करेगी। पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति इस तरह की है जिसमें किसी को भी यह नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है, इसलिए वे दैनिक आधार पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार के इन जिलों में घर घर पहुंचकर इलाज करेंगे चिकित्सक। चिकित्सा दल आपके द्वार योजना को बिहार के बक्सर, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर जिलों में लागू किया जाएगा। योजना के तहत चयनित जिलों को चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों के साथ भेजा जाएगा, जहां पर जांच सुविधा से युक्त वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजधानी पटना में पूर्व IPS पर हमला। राजधानी पटना में बाइकर्स गैंग ने आतंक मचा रखा है। बाइकर्स गैंग ने एक पूर्व IPS अजय वर्मा को अपना निशाना बनाया, जहां उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें करीब 20 की संख्या में आई बाइकर्स गैंग के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। ये घटना सीतामढ़ी रेलवे जंक्शन के समीप महसौल गुमटी के पास हुई है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पर सीमेंट लदा हुआ था। इस घटना के बाद स्टेट हाईवे और सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 को जोड़ने वाली सड़क पर भयंकर जाम लग गया है। अब बिना वकील आप लड़ सकते हैं केस। आप उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ रुपए तक की और राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपए की शिकायत कर सकते हैं। पहले इसके लिए वकील रखना पड़ता था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद यह कानून बन गया। अब डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर मारपीट करने वालों की खैर नहीं। मोदी सरकार ने अस्पतालों में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ होने वाली मारपीट की घटना पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाने जा रही है। इस विधेयक को लाने से पहले सरकार इस पर आम लोगों से भी राय लेगी।
मोदी सरकार जिस मसौदे पर काम कर रही है उसमें क्लिनिकल प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मियों के साथ अस्पताल में मारपीट करने वाले लोगों को 3 से 10 साल की सजा के साथ 2 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिहार में 18 आईपीएस का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान को आईजी प्रोविजन का अतिरिक्त प्रभार दिया है, जबकि पटना के जोनल पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार को विशेष सचिव गृह विभाग के विशेष शाखा में नियुक्ति मिली है। श्वेता तिवारी के पति जमानत पर हुए रिहा। इन दिनों अपने निजी जिंदगी को लेकर श्वेता तिवारी सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपने पति अभिनव कोहली पर श्वेता ने घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया था। ताजा जानकारी के अनुसार मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ अभिनव कोहली को जमानत दे दिया है। बिहार की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।